ममता बनर्जी जी जो हैं वो धरने पर गलत बैठी हैं, जो उन्हें सीबीआई का साथ देना चाहिए था। किसी भी नेता का हाथ किसी अधिकारी के सर पर आएगा और करना शुरू कर देगा वो, तो ना तो कोई जांच हो पाएगी इस तरीके से, और खुली छूट है एक तरीके से ये अगर कुछ भी करना चाहे। बाकी मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता, इस बात की तो गारंटी है, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट में है भाई। ये जो हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, मोदी सही कर रहा है, मोदी को वोट दो, मोदी को जिताओ। केजरीवाल क्या कर रहा है दिल्ली में? वो जग मार रहा हो बदल कर, बहुत ही अच्छा काम करा मोदी ने, ठीक चल रहा है सब कुछ। वैसे मोदी होना चाहिए प्रधानमंत्री, और तो सारे सब चोर हैं। राहुल को कुछ भी नहीं आता। हम तो राहुल गांधी के अच्छा कुछ भी भाषण देने नहीं आते, आलू से सोना बना रहा, कहाँ से बन जाएगा आलू से सोना। ममता बनर्जी खुद चोर मसेरा भाई है ना, इसीलिए चोर मसेरा भाई है। देश में तो देख लीजिए, मौसम कभी ठंडा कभी गर्म हो रहा है, मगर आप थोड़ा सा ये बताइए कि किस बारे में चाहते हैं, देश कैसा चल रहा है? देश में तो बहुत कुछ चल रहा है। ममता बनर्जी ने सीबीआई के ऑफिसर को अरेस्ट करा दिया पश्चिम बंगाल में, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए ये तो कानून व्यवस्था को धत्ता बताने वाली बात है, एक दूसरे को अपना फायदा पहुँचाने वाली बात है ये, जबकि न्याय की प्रक्रिया तो सभी के लिए बराबर है, चाहे एक छोटा आदमी है या बड़ा है। अगर इसी तरह से आप करते रहोगे फिर न्याय किधर जाएगा? ये न्याय का दुरुपयोग है ये सीधा सीधा। कौन कर रहा है इसका? ये सभी छोटे से लेकर बड़े तक कर रहे हैं, और इससे तो अधिकारियों को और छूट मिल जाएगी सर, समझिए फिर तो सब कुछ ही करेंगे वो अधिकारी, मनमानी करेंगे, क्योंकि किसी भी नेता का हाथ किसी अधिकारी के सर पर आएगा और करना शुरू कर देगा वो, तो ना तो कोई जांच हो पाएगी इस तरीके से, और खुली छूट है एक तरीके से ये। तो इससे मतलब लगता है कि ममता बनर्जी भ्रष्टाचार को बचाव कर रही है? हाँ, भ्रष्टाचार का बचाव कर रही है ममता बनर्जी। विकास कहाँ से विकास हो रहा है आपका? दिल्ली से हो रहा है। दिल्ली से? हाँ। क्या करने आए? घूमने फिरने आए हैं। तो ये बताइए कि जो अभी पश्चिम बंगाल में हुआ है सीबीआई को लेकर ममता बनर्जी का, वो क्या कहेंगे भाई? उसके बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो पार्टी में आपस में होता रहता है। कहते हैं अच्छा, तो आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं? जो सही काम करेगा सपोर्ट तो उसी करा जाएगा। किस कौन सही काम कर रहे हैं? बीजेपी। ममता बनर्जी नहीं, वो भी मतलब है अपने हिसाब से सही है वो भी। केजरीवाल क्या कर रहा है दिल्ली में? वो जग मार रहा हो। जग मार रहे? हाँ। ऐसे क्या बोल रहे भाई आप? कि वो भाई उसने कुछ नहीं करा, कहते हैं वो बोल रहे हैं कि मैंने दिल्ली लंदन बना दिया। लंदन तो कुछ नहीं बनाया उसने, कहते हैं मोदी फिर भी सही कर रहा है, उससे बढ़िया कर रहा है, कहते हैं भ्रष्टाचार रखा तो लोगों ने, कहते हैं वो कम करा दिया, कहते हैं। आप क्या कहेंगे भाई साहब? केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी। सीबीआई का जो मुद्दा हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको तो देखा जाए क्या हो, इसके बारे में हमको नहीं पता है, पर केंद्र में बीजेपी और राज्य में बीजेपी। ममता बनर्जी ने सीबीआई को अरेस्ट करा दिया, क्या क्यों कर रहा है इसके बारे में नहीं पता है। तो प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? मोदी जी को बनाएंगे। अच्छा, आप बताइए भाई। हमको कुछ पता नहीं है क्या होता है सर। शाम तो कहाँ क्या काम करते हो? मैं ऑफिस में काम करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सीबीआई के ऑफिसर को अरेस्ट करवा दिया, तो क्या कहेंगे आप इस पे? अब ये तो मुझे पता नहीं क्या कहना इसमें। आप किसको सपोर्ट करेंगे, ममता बनर्जी या सेंटर गवर्नमेंट मोदी को? मैं तो भैया मोदी को सपोर्ट करूँगा। किस लिए, क्यों, आप क्या रीज़न है? रीज़न क्या है, बस सही है जो कुछ हो रहा है, सब सही हो रहा है। आप क्या कहें? किसके लिए? ममता बनर्जी ने सीबीआई को अरेस्ट करा दिया है भाई। अगर जरूर किया होगा बंदे ने, कहीं ना कुछ कोई ना कोई गलती रही होगी, बिना गलती के कोई उंगली नहीं उठाता किसी के ऊपर आज के टाइम में। आप क्या कहेंगे, आप बताओ। मैं क्या कहूँ, आपने न्यूज़ नहीं पढ़ी? हाँ न्यूज़ तो पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कभी कभी शाम को टीवी चलने पे, लेकिन ये जो हो रहा तो अच्छा हो रहा, मोदी सही कर रहा है, मोदी को वोट दो, मोदी को जिताओ। राहुल को क्यों नहीं? वो अपनी मर्जी, नहीं अच्छा लगता। कोई रीज़न तो होगा? रीज़न कुछ नहीं, अब जो नरेंद्र मोदी है वो अपने प्रधानमंत्री बनने लायक है, राहुल को क्या पता? राहुल को कुछ नहीं पता और क्या। अरे यार वो तो बहुत कुछ पता है उन्हें। अब पता तो है, वो इतनी पोस्ट पे है इसलिए उन्हें पता है, बाद में सरकार चलानी मोदी के अलावा कोई नहीं जानता। अच्छा बढ़िया। आप बताइए भाई साहब। क्या होता है भाई साहब, बोलो। सीबीआई को ममता बनर्जी ने क्यों अरेस्ट कर दिया है बंगाल में, आप जानते हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता इसके बारे में। तो आप किसको वोट देंगे इस बार? मोदी को देंगे। राहुल को क्यों नहीं? राहुल को तो क्या देंगे, वो तो सही नहीं लगा, मतलब यही है, इसने
जो नोट बदली कर दिए ना इन्होंने मोदी जी ने, वो बहुत बढ़िया करा उन्होंने, उससे ही बहुत लगता है देश अच्छा ही आएगा। राहुल गांधी तो बोलते हैं ये घोटाला कर दिया है। नहीं नहीं घोटाला कर दिया, उसने तो देश विदेशों से बहुत कुछ निकाल कर ला दिया मोदी ने, ऐसी बात नहीं है। नोट बदल कर बहुत ही अच्छा काम करा मोदी ने। अच्छा, आप नोटबंदी से बहुत खुश हैं जी? क्या आपको कुछ प्रॉफिट हुआ उसे? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं है, ये है कि अपना हिंदुस्तान बहुत और आगे बढ़ गया। देवेंद्र कुमार जी कहाँ से है? यूपी से। यूपी में कहाँ? अलीगढ़ से। तो क्या क्या चल रहा है, आपका ऑटो चल रहा है? हाँ जी, ऑटो चलाते हैं। तो ये बताइए, जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सीबीआई के ऑफिसर को अरेस्ट करा दिया था, उस पर क्या कहेंगे? इस चीज़ की तो हमें कोई जानकारी है नहीं, बाकी जो कराया होगा भाई सही हुआ होगा। किसका सपोर्ट करेंगे आप? किस चीज़ में आप सपोर्ट मांग रहे हो भाई? अभी प्रधानमंत्री वाले का सपोर्ट करेंगे, हमने क्या बताया? भाई देखो, हम तो वैसे करेंगे बीजेपी का सपोर्ट। अच्छा हाँ, तो ये भाई आप तो केजरीवाल का बोल रहे हैं? केजरीवाल बिल्कुल भाई, केजरीवाल। क्या कर दिया केजरीवाल ने? बहुत बढ़िया करा सारा कुछ, फायदा ही फायदा करा ऑटो वालों को। क्या फायदा है? केजरीवाल तो आदमी नहीं है, केजरीवाल जो है सच्चा है। मैं ये नहीं कह रहा मोदी, मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी भी गलत है, मोदी भी गलत नहीं है, केजरीवाल भी गलत नहीं है। और एक बात उन्होंने कहा था कि मैं इन सबको जेल भेज दूंगा, शीला दीक्षित को जेल भेज दूंगा, मेरे पास 370 पन्नों की फाइल है, तो उसका क्या हो गया? केजरीवाल जी ने कहा था। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है उसके हाथ में है क्या, ये देख। अब क्या चाहिए हाथ में? उन्होंने तो कहा मुझे सीएम बना दो। मैं अभी कंप्लेन लिखाने जाऊं पुलिस वाले के पास, वो मेरी बात सुनने नहीं आएगा तो मैं क्या कर लूँगा? वो तो गठबंधन कर रहे हैं उस पर, उसको कौन से पुलिस रोक? गठबंधन के लिए नहीं कह रहा, वो गलत हो रहा है। आप बताइए, जब वो गलत हो रहा है, ये राजनीति है, राजनीति खेल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन केजरीवाल जी गलत नहीं है। वो गलत नहीं है, लेकिन आप बताइए, जिस शरद पवार को वो जेल भेजना चाहते थे उनको अब ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ममता बनर्जी जी जो हैं वो धरने पर गलत बैठी हैं, क्योंकि उन्हें उन्हें सीबीआई का साथ देना चाहिए था, वो नहीं दिया उन्होंने, बल्कि और जुर्म का साथ दे रहे हैं एक तरह से। अरविंद केजरीवाल क्यों जा रहे हैं उनके, उनको सपोर्ट क्यों? अरे वो केजरीवाल जी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, राजनीति बहुत बड़ी चीज़ है ये, शायद राजनीति बड़ी है कि देश बड़ा है? देश नहीं, राजनीति बड़ी हो रही है इस समय, देश बड़ा नहीं हो रहा। तो फिर बताइए क्या होना चाहिए, क्या करप्ट दिल्ली में? हाँ, जहाँ तक पहले आदमी अपनी वोट देखता है, और वो वोटों की वजह से ये सब हो रहा है, वोटों की वजह से ही ये सब हो रहा है। तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? नहीं मैं तो देखो, अगर मैं पीएम की वजह पीएम के लिए सपोर्ट करूँगा मोदी जी को, और सीएम के लिए केजरीवाल जी को सपोर्ट करूँगा। चलिए थैंक यू, आपने दोनों के लिए कर दिया। आप बताइए, मोदी जी के लिए पीएम और इसके और बोलिए बोलिए सीएम के लिए, और सीएम के लिए केजरीवाल जी। तो रायता तो नहीं फैला रहे सीएम? कोई रायता नहीं, काम बढ़िया करा इन्होंने। अच्छा, मोदी जी भी बढ़िया काम कर रहे हैं? हाँ मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं। हम तो राहुल गांधी के हैं। अच्छा, राहुल गांधी ने क्या कर दिया? सब कुछ किया है, लाइफ बनाया और बनाएगा। कौन सी लाइफ? सब कुछ मोदी सब बर्बाद कर दिया। क्या बर्बाद हो? सब कुछ बर्बाद किया। आप बता दीजिए, देश को बर्बाद किया है, हर देश को, कोई आज तक आज इतना पीएम कोई नहीं घूमा है, अपना देश का पैसा खर्च करके बारे देश सारे देश में घूम के आए हो। राहुल गांधी तो बिना बात के घूम, बिना बात के तो घूम ही नहीं रहे, उसे तो अभी दो चार देश के अलावा कोई देश पता नहीं है। मोदी जी को 365 देश है, 365 पता है। प्रधानमंत्री तो जाएंगे ही बाहर ना? बाहर जाएंगे तो ऐसे कैसे जाएंगे, हमारे आपके जेब काट के जाएंगे? किसकी जेब काटी? हमारे जेब काट के गए। तो आज तक क्या प्रधानमंत्री बाहर नहीं गए? कुछ नहीं करके गए दिए उन्होंने। मनमोहन भी तो घूमे थे? हाँ वो घूमे थे, वो काम करके दिया था। क्या काम किया? बहुत कुछ करके दिया था। काम बता दीजिए मनमोहन। सारे काम, आज दिल्ली में जितना विकास है दिल्ली में, इंडिया के अंदर में, सारा वो मनमोहन जी का किया हुआ है। मनमोहन ने कर दिया जी। तो फिर मनमोहन का हटाया क्यों? ना वो तो पब्लिक का सोच है भाई साहब। मोदी जी ने जो भी काम करा है बढ़िया करा है, और बढ़िया कर रहे हैं। हम तो जब भी सपोर्ट करेंगे तो बीजेपी और मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। तो ये महागठबंधन वाले क्यों बोल रहे हैं कि आपातकाल लग गया है? ये तो भाई वो वाली बात है, देखो मोदी जी की वो करने के लिए सारे वो कर रहे हैं ना, एकजुट हो रहे हैं कि भाई मोदी जी को हराना, बीजेपी को हराना है। ठीक है, तो ये अगर कुछ भी करना चाहे, बाकी मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता, इस बात की तो गारंटी है, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट में है भाई। ममता बनर्जी क्यों धरने में बैठ गई है? वो राजनीति है, राजनीति में ऐसे चलते रहता है। करप्शन का चार्ज लगा है पुलिस अफसर को, उसको बचाने के लिए धरने पर बैठना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं बैठना चाहिए। तो क्या कहेंगे ममता बनर्जी और महागठबंधन के नेताओं?
ये राजनीति है, राजनीति चलती रहती है, ये इसमें कोई उसी वो बात नहीं है। तो अगर एक सीएम को जब उसको पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए तो अगर धरना पे बैठ जाए तो क्या सही होगा? हाँ, अगर पब्लिक के लिए वे बैठे हुए हैं, पब्लिक के लिए बैठे हुए हैं, उसके हक के लिए लड़ रहे हैं तो बैठना चाहिए उनको। वो तो एक पुलिस अफसर को बचाने के लिए। नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आप क्या कहेंगे अब 2019 के चुनाव को लेके? दिल्ली में केजरीवाल और इंडिया में मोदी जी। ओके, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को ही बनाएंगे? जी हाँ। आप बताइए। नहीं भाई, बस ठीक है। क्या बोल पूछिए, आप क्या चल रहा है? ठीक चल रहा है सब कुछ। वैसे मोदी होना चाहिए प्रधानमंत्री, और तो सारे सब चोर हैं। राहुल को कुछ भी नहीं आता। क्या नहीं आता उनको? कुछ भी भाषण देने नहीं आते। आलू से सोना बना रहा, कहाँ से बन जाएगा आलू से सोना? आपने बोरी नहीं रखा आलू? बोरी रखने से क्या, इसके कहने से सोना बन जाएगा? हम लोग मोदी से सही है, हमें कोई दिक्कत नहीं मोदी से। वो कांग्रेस वाले तो खूब सोना बना दिया आलू से। वो बना दिया होगा भाई, हमारे लिए नहीं बनाना। हमारे लिए मोदी अच्छा है। अच्छा है, तो इस बार वोट मोदी को? मोदी को, मोदी को भाई। ये बताने लायक ऑटो वाले 10 भाइयों से पूछो कि हम लोग जैसे नागलोई से आए हैं, यहाँ गाड़ी खड़ी ही नहीं कर सकते हैं, यहाँ के ट्रैफिक वाले आके हमें चलान देंगे? तो इसीलिए ये सब कोई व्यवस्था ही नहीं है। हम लोग सड़क पे आए। अब रही बात केजरीवाल जी भ्रष्टाचार खत्म करने आए, शीला दीक्षित को तीसरे दिन शीला दीक्षित को जेल भेज रहे थे। अभी वो 5-4 साल बेमिसाल कर रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी ममता दीदी के पास गए हैं वो धरने में, तो उनको तो एक ही चीज है, जो उनको कुर्सी चाहिए। भ्रष्टाचार खत्म करने नहीं है। कहीं स्टेशन पे या मतलब रोड पे तो पुलिस वाले आते हैं, कहते हैं कि भाई सवारी यहाँ क्यों उतार रहे हो, नो पार्किंग का चालान कटवाओ। तो इसका मतलब कोई ऑटो वाले के लिए, ऑटो वाले के लिए रूल बाई रूल होना चाहिए ना। चालान भी है हमारे पास, इंडिया गेट जाएंगे तो नो पार्किंग का चालान कर देंगे, स्टेशन जाएंगे तो नो पार्किंग का चालान कर देंगे। तो ये चालान होते क्यों? कानून सबके लिए होना चाहिए ना। केजरीवाल केजरीवाल हैं जो भी हैं, केजरीवाल से हम लोग सवारी को उतारते, गाड़ी में सवारी को उतारते, पैसे ले रहा था उतने देर की ये चालान है। पुलिस वालों के लिए रूल बनाना चाहिए। अब ये बताइए कि हम पुलिस वाले को कमा के पैसे दूं या गाड़ी? ट्रैफिक पुलिस वालों का बहुत ही मनमानी है दिल्ली के अंदर। अच्छा। बेकसूर का चालान करते हैं, अगर करप्शन ज्यादा है। हाँ जी हाँ जी, अगर दिल्ली सरकार भी करप्शन में है। 600 रुपए का चालान बोलेंगे कि 600 रुपए का चालान काट रहे हैं, उसमें क्या करेंगे? 100 रुपए का चालान करके दे देंगे, 500 जेब में रख लेंगे ट्रैफिक पुलिस वाले। बताओ रूल है क्या? ईमानदार सरकार लाने की बात कर रहे थे केजरीवाल साहब, और आज देखो ईमानदार सरकार खड़ी करने के लिए, गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं कहीं भी। जहाँ खड़ी करते हैं वहीं चालान काट देते हैं। ममता बनर्जी का साथ देने क्यों जा रहे थे? ममता बनर्जी खुद बैठे चोर मसेरा भाई है ना, इसीलिए चोर मसेरा भाई हो गए ना। तो ये आज तीसरे दिन शीला दीक्षित को जेल भेजने के लिए, लेकिन अभी तक शीला दीक्षित को कहीं कुछ कोई खर्च गरीब आदमी के लिए कहीं इंसाफ नहीं है, ठीक है ना। 60 रुपए में लाइसेंस बन रहे थे, अभी 1500 रुपए में प्राइवेट लाइसेंस बनता है। ये केजरीवाल का देना, ये भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे। ममता बनर्जी जी जो हैं वो धरने पर गलत बैठी हैं, क्योंकि उन्हें सीबीआई का साथ देना चाहिए था। किसी भी नेता का हाथ किसी अधिकारी के सर पर आएगा और करना शुरू कर देगा वो, तो ना तो कोई जांच हो पाएगी इस तरीके से, और खुली छूट है एक तरीके से। ये अगर कुछ भी करना चाहे, बाकी मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता, इस बात की तो गारंटी है, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट में है भाई। ये जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मोदी सही कर रहा है, मोदी को वोट दो, मोदी को जिताओ। केजरीवाल क्या कर रहा है दिल्ली में? वो जख मार रहा हो बदल कर, बहुत ही अच्छा काम कर रहा मोदी ने। ठीक चल रहा है सब कुछ। वैसे मोदी होना चाहिए प्रधानमंत्री, और तो सारे सब चोर हैं। राहुल को कुछ भी नहीं आता। हम तो राहुल गांधी के अच्छा, कुछ भी भाषण देने नहीं आते। आलू से सोना बना रहा, कहाँ से बन जाएगा आलू से सोना? ममता बनर्जी खुद बैठे चोर मसेरा भाई है ना, इसीलिए चोर मसेरा भाई।